मुझे डांटा भी नहीं जब मैं लेट हुआ, तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट। मैं अफोर्ड तो की क्लास में सारी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। तो बड़ी मजी है मगर मार कसम की मार कर। तो हाँ भैया, फोर्थ सेमेस्टर का पहला दिन है और मैं लेट हूँ। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम मैं निकलता हूँ। बैकपैक चेक कर रहे हैं भाई का? हैवी बैकपैक है आज। पीछे हमारी क्लास है और आज पहला दिन है फोर्थ सेमेस्टर का और मुबशर लेट। मुबशर, दिस इज़ नॉट फेयर, यू शुड बी ऑन टाइम। आज का दिन मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई विल सी कि फोर्थ सेमेस्टर में मैंने क्या क्या सीखा। सो लेट्स डॉक्यूमेंट दिस डे, लेट्स ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। या लेट्स गो इनसाइड द क्लास। खालिद सर की क्लास है, वो क्लास में होंगे और आज जो पढ़ने वाली है ना पहले ही दिन वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे। बाकी यहाँ से मेरे सीनियर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉपीराइट के लिए हम ये सीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप गाइस, पहला क्लास हो गया। हमारे साथ हमारी टीचर है डॉक्टर इम्तियाज सर, एंड इन्होंने हमें आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ाई। आज पहला लेक्चर था और मुझे डांटा भी नहीं जब मैं लेट हुआ, तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट। तो अभी हम बताइए, कम से कम अफोर्ड तो की क्लास में आने। अब मुझे ये बताइए सर, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ये डे। अप्रोच यही है, ई एम टी के लिए ग्रिफ लो, सॉल्व दैट, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसके बाद खुद न्यूमेरिकल्स लगा लो। उसका सोल्यूशन मैनुअल भी आता है, पहले सोल्यूशन मैनुअल नहीं देखना, पहले खुद ट्राई करनी है या डिस्कस विद द फ्रेंड्स क्लासमेट्स आई मीन, उसके बाद आप सोल्यूशन मैनुअल उठा के देख भी सकते हो कि आपने कहाँ पर गलती की नहीं की, क्योंकि ई एम टी इज अ कोर सब्जेक्ट, यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, हैव अ गुड डे सर। अल्लाह हाफिज़ सर। एंजॉय ऑल द बेस्ट। तो हाँ जी, आपने देखे हमारे टीचर्स कितनी फ्रेंडली है। सर ने बहुत रिसर्च किया, बहुत पापड़ बेले, तब आ जाके ना ये ज्ञान दे पाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ा, इट्स नॉट एक्चुअली एवरीवन्स कप ऑफ टी। सो लेट्स गो बैक टू द क्लास एंड इंटरेक्ट विद अदर क्लासमेट्स। अभी हम चलते हैं अपने बैक बेंचर से मिलते हैं, क्योंकि मैं पहले बैठता हूँ। ये वाह क्यों रहे आदल इन द हाउस रोल नंबर वन। इसकी प्रेजेंटेशन सबसे पहले होती है, वाइवा पहले होता है, सब कुछ पहले होता है। और यह फिर मुझे बोलता है कृपया करके कोई ऐसा सोल्यूशन है जिससे मेरा नाम चेंज हो जाए और रोल नंबर। वी गॉट अथर इन द हाउस, हेलो ब्रो। वी गॉट मोहसिन इन द हाउस, बासित इन द हाउस। उमर तू क्यों भाग रहा है? सही शुक मैंने सारे ब्लॉगन में नाम इसको हटा। उमर इन द हाउस, चल आदिल फ्रॉम ट्रंगबर्ग। बाकी आई वुड लव टू शो यू माय फीमेल क्लासमेट, बट एक दिन जूता आया था एक का और मुझे पूरा व्लॉग डिलीट करना पड़ा, तो सॉरी फादर। ये भागम भाग इसलिए लग रही है क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, एंड आप लोग डर देख सकते हैं, लोगों के दिलों में खौफ देख सकते हैं। देखिए, अरे वी गॉट गंजी इन द हाउस मैन, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस वन। सो अब ना हमारी क्लास खाली सर की है, मजा आएगा। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। संत बड़े मजी है मगर मार कसम की मार कर बदन मार कर सर। रंजीत मार कर ठीक है सर। इतना कॉन्फिडेंस व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी में, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ खालिद सर। अभी उनकी क्लास है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड, लिटरली वेरी एक्साइटेड। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, उसके अलावा लाइफ के इतने बड़े बड़े लेसन्स, अरे यार उसके लिए बड़े बड़े कोर्स खरीदने पड़ते। सो ये हमारा फिजिक्स का ऑफिस है, ये हमारे आइंस्टाइन साहब, ये रहा मेरे हाथ में गवर्नमेंट का मार्कर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, खालिद सर को देना है। मैं कहूँ सर, much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new why that's for the recognition aap samajh rahe hain iska ye attendance kar lena to is policy jugaad ke bagair hai ha sir thank you sir ye aaj ki kamai hai modern physics ki sir ne acche se padhaya oh attendance sun lo ek baar bas nahi it will be like from 1 to 40 roll call 1 2 37 पहली बार इतनी अटेंडेंस है हमारी क्लास में। कंप्लीट हो गई, अभी चलेंगे लंच करने के लिए, लेकिन लंच साथ में नहीं है। लेट्स गो टू द आंटीज कैंटीन एंड वी विल फिगर आउट समथिंग देयर। ये आ गई हमारी चाय, ये प्यार वाली चाय है, आंटी ने बना के रखी होती है। आंटी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल से चाय पत्ती थोड़ा ज्यादा, आंटी आपने समझा, चाय पत्ती थोड़ा ज्यादा। हाँ, बाकी चाय बढ़िया है, इसमें आप प्यार भी डाल दे रहे हो।
वो और कहीं नहीं बैठता है, फिर कहीं अच्छी जगह पे जगह ढूंढते हैं। तो जगह तो यहाँ पे अच्छी है और धूप भी है क्या। बस एंजॉय है। तो सीरियस कुछ ऐसा है, हमारी दो ही क्लास थी आज, अभी छोटी हो और कल जिनके प्रैक्टिकल्स की एग्जाम पेंडिंग है वो आ रहे हैं और मैंने किया है कंप्लीट। तो हम घर में बैठेंगे एडिटिंग करेंगे और कैमरामैन सलीम के साथ चांद नवाब तुरमुला कश्मीर। अभी तो मैं घर के लिए निकल रहा हूँ और रास्ते में मुझे लॉ डिपार्टमेंट के बिहार से जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ से पल्लवी है, आपका नाम ऋत्विक, ऋत्विक है, सुजीत, सुजीत है, और ये मुझे ना होली की स्टोरी सुना रहे थे और ये मुझे गांधरबल की एक्चुअली इन्होंने खीर भवानी में होली सेलिब्रेट की है और रंग वंग लगाए। आप जो कि मुझे पता रंग कहाँ से मिला? अरे वो रंग लाने हम वो गार्ड के साथ गए तो वो हमें एशियन पेंट की दुकान में लेके चला गया, बोलता है इसे रंग दे दो। हम बोले हाय रंग नहीं मिला, फिर कुछ जुगाड़ किया, फिर खीर भवानी से वहाँ मंदिर से ही रंग ले ली। अच्छा अच्छा वहाँ होता है फिर अवेलेबल। नेक्स्ट टाइम आई एम गोना बी पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल होली, इतने रंग बनाएंगे पहले ही उस दिन जुगाड़ करके रखेंगे। एक्चुअली जो होली है ना वो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फेस्टिवल है। नॉर्थ इंडिया की? हां, नहीं कोई कहीं भी रहे होली के दिन वो घर पे जरूर आता है। घर पे जरूर आए और ऑफ कोर्स हम लोग यहीं रहेंगे। हमारे साथ बैड लक था कि हम लोग अपने घर पे नहीं जा सके। हां ये कोई बात नहीं यार, ऐसा बट यहाँ पे काफी अच्छा माहौल, हमारे क्लास के दोस्तों के साथ काफी अच्छा सेलिब्रेट किया, होली खेलने में मजा आया। ठीक ठीक, आप मुझे एक काम बताओ, आप एक काम बताओ, जैसा मतलब इमेज है ना बाहर कश्मीर कैसे है, मतलब आपको कैसे लगे कश्मीरी? मतलब आप लोगों को कोई दिक्कत आई आपके फेस्टिवल में सेलिब्रेट करने में? नहीं तो मेजॉरिटी है मुस्लिम की, किसी ने कुछ बोला? बस रंग अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको खरीदेगा कौन? एक्चुअली रंग अवेलेबल वो होता है जहाँ डिमांड होती है, डिमांड ही नहीं तो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगली बार आई एम गोना बी द पार्ट, चाहे हमें रंग कहाँ से जमीन खोद के रंग हम लोग ने श्रीनगर में भी खोजा लेकिन वहाँ भी नहीं मिल पाया। नहीं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर पूरा ना पूरा रंग रंग कर देंगे उस दिन, मुझे बहुत शौक है रंग में ना ये होली में पार्ट लेने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी आर गोना सेलिब्रेट। और पता है इतने त्यौहार आते हैं, त्यौहार ही त्यौहार पूरे साल, त्यौहार ही त्यौहार चलते रहते फ्रॉम दिवाली टू होली, होली टू दिवाली, और इतनी मिठाइयाँ बनती है दशहरा। एग्जैक्टली, चलिए अभी आगे मिलते हैं हम। ये जो आप ये ब्यूटीफुल कैंपस देख रहे हैं ये सुंबल कॉलेज का कैंपस है एंड माय मॉम इज हियर। व्हाट मैन व्हाट, आई थॉट वी विल स्पेंड सम टाइम इन योर कैबिन। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज सर एग्जाम दी थी मुझे। माय ऑडियंस इज वाचिंग यू, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माय मामू, ही इज डॉक्टर फिरोज, ही इज एचओडी इन जूलॉजी डिपार्टमेंट हियर जीडीसी सुंबल एज यू ऑलरेडी सॉ दिस कॉलेज। सो या एंड ही इज माय मेंटर एंड मुझे इनके पास आना था टू स्पेंड सम टाइम, नाउ वी विल गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। हमें ना असल बिजनेस डील एक करनी है, आई कैन रिवील दैट थिंग ऑन दिस, लेकिन दैट इज वेरी लाइक सोने के अंडे। फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अभी मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर से सुंबल से, बस 10-20 मिनट हमने बात की एंड या गए हम घर, लेकिन मैं इतना थक गया हूँ। दिस वॉज ऑल फॉर द डे, पहला दिन था फोर्थ सेमेस्टर का, थैंकफुली थैंक्स टू ऑलमाइटी कि अच्छा गुजरा और अच्छे से डॉक्यूमेंट भी हो पाए एंड आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा एंड या और भी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेंगे एंड मैंने बोला था कि मैं व्लॉगर नहीं हूँ लेकिन मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ। हाँ सोन आई एम गोइंग टू सी सम अदर कंटेंट लाइक आई वॉज थिंकिंग अबाउट पॉडकास्ट, हम मिल के ना वो भी फिगर कर लेंगे। All I need for support, so keep supporting. Tab tak ke liye, have fun and hustle. Bye. Allah.